अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई लोग, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो तो वैसे कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, बट स्टिल मैंने सोचा घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा एंजॉय भी करेंगे और इसी के साथ साथ व्लॉग भी बनाएंगे। तो आज का जो व्लॉग है मेनली अपनी विलेज में ही होगा। आप देख सकते हो यहाँ, मैंने इससे पहले भी जब मैंने वो विलेज का एक्सप्लोर किया था, दिखाया था बचपन में खेला करते थे, ये वही पार्ट है। तो अभी आप देख सकते हो कितनी बर्फ़ पड़ गई है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है बर्फ़। तो मैं सोच रहा था कि एक स्नोमैन बनाएं, उसी के साथ साथ एंजॉय भी होगा। तो अभी देख सकते हैं, मेरे साथ मेरा कज़न है। ओ भाई भाई भाई, मार मत, बस बस बस, मार मत, स्नो फेंक रहा था मेरे ऊपर। अभी हम नीचे वाले पार्ट में जाएंगे, वहाँ स्नोमैन बनाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड और देखिए कितना फन होगा। तो अभी हमने फेरन भी निकाला, धूप आ रही है, एंड ये मैंने एक बॉल रोल कर ली, ऐसी दो तीन बॉल्स रोल करके देखते हैं कैसा बनेगा। भाई वैसे तो ये ड्राई स्नो है, अभी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आपको मैं अच्छा सा स्नोमैन बना के दूँ। हैप्पी न्यू ईयर भी आने वाला है, वैसे हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माई साइड। चलिए मिलते हैं आगे। स्टेक एक बॉल तो बना ली हमने, अभी ऐसी एक दो और बनानी पड़ेगी, बट साइज़ में छोटी यार। वो स्नोबॉल, सॉरी, स्नोमैन बनाना तो नहीं आता, बट स्टिल आई एम ट्राइंग फॉर यू गाइस। आप भी देख सको, ग्लव्स बहुत अच्छा है, ठंड नहीं लग रही हाथों में, मफलर भी पहन रखा है, इसके बाद मफलर टोपी वगैरह इसको ही पहनाएंगे। विल सी हाउ इट विल लुक। तो अभी इसका पेट लग रहा है क्या? हाँ यार, ठीक ही है, सम एक्सटेंट अच्छा ही है। चलो मिलते हैं आगे। तो अभी हमने दूसरी बॉल रोल करके इसके ऊपर रख दी, ये इसका हेड बनेगा और ये बॉडी। तो इसके बाद लग रहा है क्या स्नोमैन? हाँ यार, चलेगा। वैसे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, पहली बार बना रहा हूँ मैं भी। आई होप यू गाइज विल लाइक इट। यार प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, एंड जितना ज़्यादा। हाँ, वैसे मेन रीज़न पता है इस वीडियो की क्या थी? वैसे कोई मतलब खास रीज़न थी, वैसे भी मेन इसकी मेन था मुझे इस वीडियो में गिव अवे जो मैंने पिछली वीडियो में रखा था उसका विनर अनाउंस करना है। तो उसके साथ साथ मैंने बोला एक स्नोमैन भी बनाते हैं, व्लॉग भी बन जाएगी, और क्या कहते हैं, विनर का नाम भी मैं आप लोगों के सामने लाऊँ। तो जैसे ये कम्प्लीट होगा उसके बाद मैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि ऑनलाइन बेसिस पे होगा जो भी विनर होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो भी वीडियो में ऐड कर लूँगा, ठीक है? तो मतलब कोई ऐसा ना सोचे कि बायसेस हो गया, अब इसको दिया उसको दिया, तो वैसा कुछ नहीं है। तो अभी
50% तो कंप्लीट हो गया हमारा स्नोमैन। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें ऐड करना पड़ेगा। स्टे कनेक्टेड गाइस, हमारा स्नोमैन जो है वो कंप्लीट हो गया। बट यार मतलब अच्छा नहीं बना, ठीक ठाक बना, मतलब एवरेज लुकिंग लगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आप ये देख सकते हो, ये स्नो है ना बहुत ड्राई है। मतलब देखियो मैं इसको कितना भी करूँ जमी नहीं रही है ऐसे, कितना मतलब कितना हाथ में था देखिए, यू कैन सी दिस। मतलब इसकी वजह से यार बहुत ही मुश्किल हुआ बनाने में, मतलब क्योंकि बर्फ़ को गिरे हुए एक दो दिन हुए तो अभी उतनी मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ताज़ा होगी बर्फ़ उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो जब अब नेक्स्ट बार जब भी गिरेगी बर्फ़, यहाँ मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है पहलगाम पे, तो होपफुली वहाँ मैं बनाऊँगा एक स्नोमैन अच्छा सा आपके लिए। तब तक इसी से गुजारा कर लो, चलो अगले पार्ट में दिखाता हूँ स्नोमैन कैसा बना। तो गाइस मतलब अपनी पूरी कोशिश मैंने की, एक घंटा लगा कम से कम इसको बनाने में। तो मैं आपको कोई मिलाता हूँ अपने फैमिली के नए मेंबर से। ये रहा स्नोमैन, मतलब अपनी छोटी सी ट्राई थी, आप अपना रिव्यू दे देना कैसा लगा आपको ये स्नोमैन। तो अब बस इस पर बैठना पड़ता है। तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, भाई बता देना इनको सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो गाइस मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।